स्टेट पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा के अंदर मुमरा स्टेशन के सामने जो मुमरा देवी रोड है, पटेल स्कूल कहा जाता है, उसके पास जो है एक सलमान बिल्डिंग है, रूम नंबर 301, उसके अंदर से एक सईदा नाम की जो महिला है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करी है। गिरफ्तार करने का जो वजह है वो जो है एमडी जो है जो नशे का पदार्थ होता है वो नशे का जो मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं उसके पास मिला है कुछ 4 लाख 4.5 लाख रुपए के आसपास में कुछ उसकी कीमत बताई जा रही है। और ये मुमरा पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता जो है ये कहा जाएगा। और मुमरा पुलिस जो है काफ़ी अच्छा काम जो है एक नशे के ऊपर से मुमरा कौसा के अंदर कर रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों के लिए संदेश जो हमारे सीनियर पीआई मधुकर कर साहब हैं उन्होंने आज डॉक्टर लोगों का भी एक मीटिंग लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बताया है कि हम सबको जो है जितने लोग मतलब ये नशे का जहाँ जहाँ हमको मतलब एक जानकारी मिलती है हम वहाँ पर जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लोगों के घर वालों से जो बच्चे हैं उनके घर वालों से हम बात करेंगे, स्कूलों में जाएंगे हम स्कूलों में भी बात करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुमरा कौसा के लिए कि हाँ कम से कम चलो नशे का एक कारोबार जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो हो रहा था वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है और जो लोग थोड़े बहुत बचे हैं अगर पुलिस को जानकारी मिली तो हम जरूर आपको बताएंगे और उनको जरूर हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आइए मधुकर कर साहब के मुंह से सुनते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बताया है कि हाँ किस तरीके से उन्होंने जाल बिछा के इस महिला को गिरफ्तार किया है। 7 बजे मुमरा पुलिस के पोजिशन के एमपीआई बोल से साहब और उनको टीम को जानकारी मिली थी कि एक लेडी मुमरा देवी रोड पे एमडी तक लेके आने वाली है। उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीएसआई लांडे पीआई वड़कर साहब और बाकी टीम डीबी टीम ने वहाँ छापा मारा और उसको दावे में लेने के बाद में वहाँ 197 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। उस हिसाब से उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उसको दिनांक 22 तारीख तक पीसीआर मिला है और आगे की जांच जारी है। सर इसके पहले भी क्या वो महिला पकड़ी गई है इस मामले में? हाँ, उसके खिलाफ में एक ऑफेंस रजिस्टर है पहले और अभी ये सेकेंड टाइम ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और उसको इन्हें एक बड़ी मात्रा में दे रहा हूँ। 4.5 लाख तक वो माल है, 4,38,000 का मुद्दे माल उसके पास से सीज हुआ। क्या वो खुद बेचने के लिए लाई थी या? यस, वो खुद बेचने के लिए लाई थी और खुद सप्लाई भी कर रही थी। जिस तरह से ये महिला पकड़ी गई है इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को लेकर के, तो महिला तो यहाँ बेचने के लिए आई थी लेकिन जो उसके कस्टमर्स थे उनमें से भी कोई लोगों की इन्फॉर्मेशन आपको मिली है? वो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन की जांच है सर, तो वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। यहाँ वो आगे जांच होगी, ये एनडीपीएस मामले में जो भी शामिल होगा उसके ऊपर कड़ी की कड़ी एक्शन ली जाएगी। सर इसके अंदर कोई और क्यों लोग हैं सर? वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। कितने दिन से कर रहे थे सर? नहीं ऐसा नहीं है, जब हमको पता चला और यहाँ वो उसका आना चालू हुआ तो तब तब हमने एक्शन लिया हुआ है। वो एक्चुअली इसके पहले वो मुमरा छोड़ के कहीं बाहर चली गई थी ऐसा पता है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन में पता चले। रहने वाली कहाँ की है? प्रॉपर रहवासी है क्या? यस, मुमरा की रहवासी। उसकी एक्टिविटी की पहली बार हुई है इससे पहले भी वो मुमरा पहले एक गुना उसके खिलाफ में दाखिल है, ये अभी दूसरा हमने दाखिल किया हुआ है। सर इसको किस तरह का जाल बिछा के आपने पकड़ा? वो तो पुलिस की जो रेगुलर एक्शन रहती है, लेडी है तो लेडी एक्यूज है तो लेडी ऑफिसर वहाँ हमारे साथ में थी, उनके साथ पंच भी थे हमारे, तो उनके साथ में वो एक्शन लिया। सर अभी कुछ दिनों पहले से आपने जैसे नशा मुक्त अभियान आपने स्टार्ट किया सर, तो अभी तक ये कितने गुना दाखिल हुए एनडीपीएस में? बड़ी मात्रा में 5 गुने हमने बड़े जो केसेस है वो 5 केसेस बड़ी किए। उसमें गांजा पकड़ा है, पहले एमडी ड्रग्स भी पकड़ा था, अभी तो 297 ग्राम एमडी पकड़ा हुआ है। ये सब पुलिस स्टेशन मुमरा की कार्रवाई है और उसमें डीबी पार्टी के लोगों ने बहुत बड़े एक्शन किया हुआ है। मैं लालू मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।